बरसात में बोले यहाँ यहाँ से वहाँ तक रोड तक पानी भर जाता है, बोले यहाँ कचड़े चढ़े भी पहले रहता है, कोई साफ सफाई करने आता नहीं। घुसता है, केचुआ गूलर घुसता है, और हम लोग कैसे बच्चे को लेके जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, ना खटिया ना मछिया ना पलंग जमीन में सोते हैं। देश आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी स्थिति नेताओं के भाषणों से अलग है। नेता जब मंच से भाषण देते हैं तो बताते हैं कि हमने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमने यहाँ का कायाकल्प बदल दिया। लेकिन आज हम मौजूद हैं रीवा शहर के वार्ड नंबर 42 में। आप हमारे सामने देख सकते हैं ये नाला है, और ये नाला पूरी तरह से जाम है। ये नाला आगे चल के बिछिया नदी से मिलता है, और ये जब बिछिया नदी में बाढ़ आती है तो ये पूरा चौक हो जाता है, और इन आप मेरे सामने ये घर देख रहे हैं, इनके घर में पानी भर जाता है। ये लोग चीख चिल्ला के जब हम यहाँ आए तो हमसे कहने लगे कि भैया जब बरसात होती है तो हमारे घरों में ये पानी, ये नाले का पानी हमारे घरों में घुसने लगता है, और हमारे बच्चों को लेकर हमारा पूरा घर और अपनी चीज़ों को लेकर हम गुड़ चौराहे में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं। हमने कई बार यहाँ के नगर प्रशासन और जो भी प्रशासनिक अधिकारी है हमने उनसे शिकायत की, लेकिन इसका कोई भी इंतज़ाम आज तक नहीं हुआ। 10 साल पहले ये नाला बना था, इसकी मरम्मत आज तक नहीं हुई। आप देख सकते हैं कैसे इधर, आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि आके वो इधर दिखाएं, इसके जो पत्थर हैं वो गिर गए हैं, और नालियाँ पूरी तरह से जाम हैं। और इसकी गलती मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रशासन बस इसका जिम्मेदार है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपने आस पास जितना हो सके सफाई रखें, अपने घर के गंदगी को ऐसे ही नालियों में ना फेंकें। हमारे पास कुछ लोग हैं यहाँ के वार्ड नंबर 42 के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनकी परेशानियों को समझेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? हमारा आरती बंसल नाम है सर। क्या दिक्कत आती है हमारे यहाँ? ये कच्चा नाला है, यहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं होती, पूरी गंदगी बहकर आती है, बारिश में पूरा घर में भर जाता सर, हम लोग परेशान रहते हैं। अब बताइए, छोटे छोटे बच्चे पाले तो हम लोग इधर उधर जाए ये सब समस्या बताने, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी यही प्रार्थना है कि ये नाला बन जाए। आप लोग अपनी समस्या लेके किसके पास गए थे? नहीं गए बाबूजी, किसके, जब वोट वाले आते हैं तो अपनी मजबूरी बताते हैं, हाँ करेंगे करेंगे, फिर क्या कहते हैं, फिर वोट पाने के लिए जीत जाते हैं तो हाँ सब बन जाएगा, वो तो कुछ भी नहीं है, नल दिखाते हैं, लेटरिन बाथरूम पानी दिखाते हैं, अब कोई सुनाई नहीं होती है। अब वो मोदी दे दिया बहनों लाडली का, बस उसी में स्वीकार है। इस नाले की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं ये बताइए। जैसे है कि अच्छा पक्का नाला बन जाए, पक्का नाला जो 70 बन रहा है वो नाला बन जाए, और वो जो पानी आता तो अंदर ना आए, और जो घर घर लेटरिन बाथरूम बनती है वो बन जाए। पूरी गंदगी बहकर यही आती है सर, वही सभी घुसता है, सांप घुसता है, केचुआ गूलर घुसता है, और हम लोग कैसे बच्चे को लेके जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, ना खटिया ना मछिया ना पलंग जमीन में सोते हैं, यही दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत परेशानी है हम लोग को। ये नाला बन जाए तो बहुत ठीक रहे, पूरी गंदगी आके यहीं जमा हो जाती है। आप लोग तो बढ़िया सोफा में रहते हैं, पलंग में रहते हैं, हम लोग तो ऐसे रहते हैं जमीन में। आप बुरा ना माने, अरे नहीं मैं बुरा क्यों, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ भाई। हम लोग बसोर समाज नीच कास्ट है तो हम कहाँ जाएं, अपने बाल बच्चे लेके अपने घुसे हैं, चाहे सांप खाए चाहे बीछी खाए। अच्छा बेटा ये बताओ, बरसात में पानी आता है आप लोगों के घर में? हाँ आता है। फिर आप लोग क्या करते हो? बाल छाते हैं। बाबूलाल नाम। क्या समस्या है आप लोगों को इस नाले? हमारी समस्या ये है कि बहन बेटी की तकलीफ होती है, वहाँ परेशान हूँ, कोई भी बहन बेटी रिश्तेदार आए तो हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के जो आपसे बने कर दो, नहीं बने। हम तो बस आपकी समस्या दिखाने आए हैं, करेगी तो प्रशासन करेगा, जो सरकार में बैठे आप लोग करेंगे। मेरी तरफ से ना आए हो? नहीं, हम सरकार की तरफ से नहीं, हम मीडिया से आए हैं। अच्छा, और क्या दिक्कत होती है आप? और कोई दिक्कत नहीं है, ये उड़ जाए, ये सब सही हो जाए, नाली साफ हो जाए। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम नंदलाल बंसकार है।
यहाँ समस्या ये है भैया, यहाँ बरसात जब आती है तो यहाँ तक पानी आ जाता है इस नाले का। क्या है कि ये पूरे बिछिया पूरे वार्ड 42 से जुड़ा है, ये पूरा ये बस्ती, ये जो नाला है पूरी मुस्लिम बस्ती से पूरा पानी यहाँ से नदी में जाके मिलान होता है। यहाँ नाली के बहुत तकलीफ होती है कि बरसात में पूरे यहाँ से वहाँ तक रोड तक पानी भर जाता है, पूरे यहाँ कचड़े चले भी फैले रहता है, कोई साफ सफाई करने आता नहीं है और यहाँ से पानी निकलने में बहुत दिक्कत होता है। नाला बना है नहीं, नल भी टाइम से आता है ये नहीं आता है, ये भी दिक्कत रहती है। दूर दूर तक आदमी पानी भरने जाता है यहाँ से, नल बिजली उजली भी कम से कम आती है, आती जाती रहती है। तो यहाँ कोई देखने वाला कोई सुनने वाला है नहीं, तो यहाँ हम लोग बहुत परेशान। सफाई तो आप लोग भी कर सकते हैं क्योंकि आपके घर से ही बह रहा है। हम लोग करते हैं जितना हम लोग से बनता है करते हैं हम लोग, उसके अलावा ये जहाँ तक इतना मलिश की नहीं रहता है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, बस हो गए थोड़ा देखते हैं, जो उनको समझ में आते निकालते हैं, बाकी ऐसे ही पड़े रहता है। यही वो नाला है जो आगे चलकर बिछिया नदी में मिलता है। जब बिछिया नदी में बाढ़ आती है तो ये नाला जाम लेता है और लोगों के घरों में पानी बरसता है। आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कैसे लोगों ने अपनी समस्या बताई। मैं रीवा में बैठे सभी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा और जो सत्ता में बैठे हैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर जनता आपको वोट देती है तो आपका फर्ज बनता है कि उनकी समस्याओं को दूर करें। कैमरा पर्सन अनिमेश के साथ मैं शिवेंद्र, शब्द सांची।